और जाते जाते उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए हैं और आफत आ गई इसको लाके। ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसाइल चल रही होंगी। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम मेरे गांव खिंडजाणी से। मैं हूं अभी अपने घर पे और मैं जा रहा हूं अपने गांव की रोड में, जहां से कल मैं एक चावलों का कट्टा लेके आया था और आज फिर मुझे जाना है एक दूसरा कट्टा लेने के लिए। उसमें है धान। बहुत दिनों पहले आपने देखा होगा कि मैं अपने घर से झंगोरा ले गया था अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। आज वो धान लेके आ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि हम रोड में रखेंगे या फिर रोड में आएंगे, तो मैं भी जा रहा हूँ रोड में धान का कट्टा लेने के लिए। कल भी मैं कट्टा ही ला रहा था, आज भी मैं कट्टा ही ला रहा हूँ। ओके, 10 बज रहे हैं और बहुत प्यारी वाली धूप लगी है और रोड तो मेरे घर से बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक कि इतना जूम करना पड़ रहा है। ये है रोड। मेरे घर से रोड में जाने में लगभग 10-12 मिनट तो लगता ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। तो ये देखिए, वो गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है और उसको यहाँ पे आना है। अब देखते हैं कि मैं गाड़ी से पहले वहाँ पर पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। धीरे धीरे सभी गेहूं के खेत खाली होने लग गए हैं। जिस साइड से गेहूं पकने लग जाते हैं या फिर जिस खेत से गेहूं पकने लग जाते हैं, लोग वहां से काटना शुरू कर देते हैं और कुछ गेहूं खेत में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक साथ तो सब गेहूं नहीं पकते। मेरे घर से मेरे गांव तक की सबसे ज़्यादा चढ़ाई इसी जगह पर है। यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है, अगर आप जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो सांस भी फूलती है। तो पहुँच गया हूँ मैं अपने गाँव के रास्ते में। ये वाला रास्ता आगे मेरे गाँव की तरफ जाता है और सामने वाला रास्ता जाता है चंद्रनगर की ओर। तो ये देखिए, लोग खेतों में मोया लगाने की तैयारी करने लग गए हैं। खेतों में जो नई फसल उगी है उसमें जो खरपतवार होती है उसको निकालने के लिए इसको लगाया जाता है। फिर रोड़ दे, रोड़ दे, रोड़ दे, रोड़ दे, ना 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 का फ्रूटी पिए नहीं जरा ठीक था। ओके, हाँ ठीक, हाँ। तो कट्टा भी यहाँ पर आ चुका है और ये काफी बड़ा कट्टा है। तो इसमें है धान और इसमें कुछ छोटा मोटा सामान है। और जाते जाते उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए हैं। रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि मतलब कोई मिलता है तो उसको पैसे देते हैं, पर जब आदमी बड़ा हो जाता है तब नहीं देते हैं। पर उनकी नज़र में मैं अभी छोटा ही होऊंगा। बड़ों की नज़र में आप हमेशा छोटे ही रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने जाते हुए मुझे पैसे दे दिए। बहुत सारे सवाल आते हैं कि जाते हुए उस लिफाफे में क्या देते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसा दिखाया कि ये विदाई का लिफाफा है, कहीं जाते हैं तो लिफाफा लगता है, मिठाई लगती है, तो उसमें कुछ पैसे रहते हैं, 10, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे पैसे रहते हैं उसमें। अब सबसे बड़ा काम है कि इसको अपने घर पर लेके जाना, और वो तो आपको पता है कि मेरा घर कितना दूर है, लगभग 3 किलोमीटर होगा। और तड़कती भड़कती धूप में इसको लेके जाना है। ये धान आई है जयकंडी गांव से। कुछ टाइम पहले हमने उनको झंगोरा दिया था, तो रिश्तेदारी में ऐसा चलता रहता है, एक्सचेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है मेरे गांव का, और मेरा गांव जो है वो ये रहा। पूरा गांव आपको इन पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आलू के खेत हैं, यहाँ पर हमारे गाँव का भूतीर देवता का मंदिर है, और यह सामने है गेहूँ के खेत जो कि अभी काटने बाकी हैं। तो इस कट्टे को लेकर के आ चुका हूँ मैं अपने घर पर। और ये वाला कल से ज़्यादा भारी था, कल वाला तो 26 किलो का था, ये लगभग 40-45 किलो का हो गई। और आफत आ गई इसको लाके। और अब क्या है कि जैसे ये धान है, इससे चावल निकालने के लिए इसको कुटाना पड़ेगा चक्की पे ले जाके, तो फिर ये दोबारा मार्केट ले जाना पड़ेगा। तो इसको तो मैं नहीं ले जाऊंगा भाई, मैंने पहले ही बोल दिया था इसको गाँव में रखते हैं और वहीं से कुटा के लेके आते हैं। तब माँ ने बोला कि नहीं, बाद में ही देखेंगे। कारू खुश हैं, कुरकुरे आ गए तेरे लिए। तो आज हम गेहूं की दें करने वाले हैं, और दें कैसे करते हैं कि गेहूं की जो बालियां हमने काट के सुखाने के लिए रखी थी उनको चौक पे लेके आए और फिर उनके ऊपर हम बैल घुमाएंगे। और बैल घुमाने से होगा क्या कि जो बालियों के अंदर गेहूँ है वो निकल जाएगा, फिर उसको साफ करेंगे, गेहूँ अलग और बाकी भूसा अलग। तो गाँव में कुछ ऐसे ही गेहूँ की दें की जाती है और ऐसे बैलों को घुमा करके गेहूं निकाले जाते हैं। कई लोग तो डंडों से भी कूटते हैं और कई लोग ऐसे बैल घुमाते हैं। तो बहुत दिनों बाद जब बैलों को अपने चौक में घुमाते हैं तो उनको आदत नहीं रहती है, वो थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, पर धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाती है कि ऐसे घूमना है। तो ये देखिए, जैसे इसमें चलते हैं तो गेहूं अलग होने लग गए और बाकी भूसा अलग होने लग गया। तो आधा घंटा बैल इसमें घूमेंगे और फिर ये सब पूरा हो जाएगा।
गेहूं के ऊपर बैल घुमाने से पहले गेहूं को जितना सुखाया जाता है उतनी अच्छी दह होती है, क्योंकि गेहूं उतने ज्यादा सूख जाते हैं और उतनी जल्दी उनके बीज अलग हो जाते हैं। तो आज के दिन में हमको दो दह करनी है, एक तो हम अभी कर रहे हैं, एक खाना खाने के बाद करनी है, क्योंकि अब क्या होता है कि धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है, पता ही नहीं चलता कि कब बारिश आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है गेहूं के ऊपर बैलों को घुमा रहे हैं तो अचानक से बारिश आने लगती है, तब आनन फानन में सब संभालना पड़ता है और दें करने में धूप भी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत दिनों बाद अगर ऐसे दें करेंगे तो थोड़ा सर दर्द भी हो जाता है क्योंकि ऐसा गोल गोल घूमना पड़ता है। 20 मिनट हो चुके हैं और दें इतनी हो चुकी है। ये तो छोटी दें है, इसमें एक जोड़ी बैल घुमा रहे हैं। कई जगह पर क्या होता है कि बड़ा चौक रहता है और बड़ी दें रहती है, यानी कि बहुत सारे गेहूं रहते हैं, तो उनमें लोग दो दो जोड़ी तीन तीन जोड़ी बैल घुमाते हैं। और ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के सभी गांवों में ऐसे बैल घुमाते होंगे, किसी गांव में कुछ अलग रिवाज होगा, किसी गांव में डंडों से कूटते होंगे। मैंने एक वीडियो ऐसा भी देखा था जिसमें केवल आदमी घूम रहे थे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में गेहूं की मंडाई कैसे होती है या फिर गेहूं की दें कैसे होती है। ले 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 ले, ले। तो आज की दें पूरी हो चुकी है, ये छोटी सी दें थी इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, वरना तो एक घंटा पूरा लग जाता है बैलों को इसमें घुमाने में। और अभी हमको थोड़ी देर में दूसरी दें भी करनी है। तो हमने बैलों को पानी पीने के लिए रखा था पर उन्होंने पिया नहीं और वो वहाँ पे चले गए। ले ले ले, और ये देखिए, ए ले 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 ले, और ये देखिए जो गेहूं का बाकी हिस्सा बचा था उसको हमने ऐसे गठरी बांध के रख दिया है, इसको भी हम संभाल के रखेंगे, फिर वो इन गाय भैंसों के काम ही आएगा। तो जैसे ही शाम के 5 बजे वैसे ही मौसम खराब होने लग गया और आसमान गरजने लग गया, और ये देखो मेरे पीछे क्या हाल हो गए हैं मौसम के, यहाँ से बारिश आने लग गई है। मैं कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अचानक बारिश आ गई तो पूरी दें फटाफट समेटनी पड़ती है और उसको बचाना पड़ता है, तो अभी का हाल वैसे ही हो गया। तो जो हमने दोबारा दें करनी थी वो तो करी नहीं क्योंकि मौसम भी खराब हो गया था। खराब क्या हुआ कि सीधे बारिश आने लगी, तो ये देख लो, तो सामने इस घाटी से बारिश आने लग गई है और यहाँ अभी बहुत तेज हवा चल रही है। तो 2-4 दिन से आसमान ठीक था, बारिश नहीं आ रही थी, आज इसकी शुरुआत भी हो गई, तो इसलिए पहाड़ों के मौसम का भरोसा नहीं होता और इस साल तो भरोसा कर भी नहीं सकते, इतने खतरनाक बादल गरज रहे हैं। तो जिस गेहूं की दें हमने दोबारा करनी थी उसको हमने यहाँ पर ढका के रखा है, और मैं आपको एक गरुड़ दिखाता हूँ जो कि हवा के साथ आराम से उड़ रहा है। ये देख लो क्या मस्त तैर रहा है वो हवा में। इनकी एक अच्छी बात होती है कि ये हवा में भी बैलेंस हो जाते हैं चाहे कितनी भी तेज हवा चले। और इसका जो बच्चा होता है जिसको मेरी भाषा में था थबड़ू बोलते हैं, वो क्या करता है कि आसमान में एक जगह पर स्टेबल हो जाता है, ना आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है, उसी जगह पर रुका हुआ रहता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसा हो सकता है, पर मैंने बहुत बार देखा है उसको। बारिश बाढ़ पहुंच गई है और क्या खतरनाक आवाजें हो रही हैं आज, ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसाइल चल रही होंगी। तो अब बारिश आने लग गई है तो हम इस भैंस के बच्चे को अंदर बांध देंगे क्योंकि इसको ज्यादा ठंडा लगता है। और अभी यहाँ पर बहुत सारे गेहूं बाहर हैं तो इनको भी अंदर करना है, नहीं तो ये भी भीग जाएंगे। तो लगता डर तो नहीं लगा कहीं। तो अब बारिश होने लग गई है और बाहर का काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बहुत सारे गेहूं ऐसे पड़े हैं, उस साइड भी बहुत सारे गेहूं हैं जो कि अभी छानने बाकी हैं। तो निकिता लगी हुई है अपने काम पे, हैं निकिता जा, वो बोरी भी गीली हो रही है, उठ तो उसको अंदर रखो सामने। और हमारा कालू कहीं जा नहीं सकता तो यहाँ पर आराम से बैठ के बारिश देख रहा है। वह मटर गिरा दिए तो निकिता ने बोरी के चक्कर में मटर गिरा दिए और ये देख लीजिए यहाँ ऊपर की साइड धूप भी लगी है और बारिश भी हो रही है और फिर से धूप आ गई सामने से। तो इसी को बोलते हैं सियार की शादी, यानी कि शादो ब्यो कहते हैं कि ऐसा जब होता है धूप भी लगती है बारिश भी होती है तो उस दिन सियार की शादी होती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं जब ऐसा होता है। ढंग से उठाएं तो अभी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश आती हुई दिख रही होगी, और जैसे ही यहाँ पर मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए इस साइड बहुत कम बारिश आ रही है, तो यहीं तक ये तेज वाली बारिश आ रही है और इस साइड भी। और निकिता ने कालू को भी दे दिया है और कालू भी अब गेहूं की मुट्ठी करेगा, है ना निकिता? ठीक है, सवा अच्छे से करना है, ओके, काम पूरा करना नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। ठीक है ना कालू? कालू तू भी कर, नहीं तो तेरे को भी नहीं मिलेगा खाना।
तो निकिता परेशान हो गई है क्योंकि मेरी चाची दोबारा एक भारी गेहूं लेके आ गई है ना निकिता। चल निकिता साइड हो जा, और बारिश में भीगते भीगते आई है। तो निकिता कैसा लग रहा है दोबारा इतने गेहूं देख के? बहुत बुरा। बहुत बुरा, कालू क्या हुआ? बोल रहा जी डबल, ये भूई को तुम कर रहे हो मेरे को। कालू तू क्यों नहीं कर रहा है? तो बारिश बंद हो गई है और बहुत अच्छी वाली धूप लग गई है, तो मौसम का कुछ भरोसा नहीं। मौसम कितनी जल्दी बदल गया, आसमान में बादल अभी भी हैं पर यहाँ नीचे बहुत प्यारी वाली धूप लग गई है। अब पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, आसमान अभी भी गरज रहे हैं, सामने अभी भी हवा हो रही है। हम लोग आए हैं शाम की सब्जी का जुगाड़ करने के लिए, यानी कि लिंगड़ा ढूंढने के लिए। तो लिंगड़ों की सब्जी बनती है, वो एक पहाड़ी सब्जी होती है, तो घर के आसपास बहुत जगह पर लिंगड़ा पाया जाता है। तो मैं और निकिता, निकिता नीचे आ, नीचे आ जल्दी आ। क्या है, तू लिंगड़ा ढूंढने आई है कि हिसूल खाने आई है? हिसूल खाने। चल नीचे आ फटाफट, जल्दी आ। तो थोड़ी बहुत मैं भी खा लेता हूँ। आया तो ये देखिए, आजकल इतनी सारी हिसूल यहाँ पर हो गई है। निकिता आ यार जल्दी चल। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।